वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। हेलो गाइज, आज का इम्पोर्टेंट सेशन स्टार्ट हो रहा है आपका मशीन के अंदर ट्रांसफॉर्मर। सबसे पहले डिस्कशन यहाँ पे होगी कि ट्रांसफॉर्मर है क्या, है ना। तो ट्रांसफॉर्मर के बारे में एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से जानना है। ध्यान दें, मशीन एक बहुत लंबा सब्जेक्ट है, इसके लिए काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत होती है और आप पेशेंस बनाए रखें। हम आपके साथ हैं, इसको इंटरेस्ट बनाना ये मेरी जिम्मेवारी है, आपको आप मेरा साथ देना ये आपकी जिम्मेवारी है। सबसे पहले अगर कोई ट्रांसफॉर्मर बोलता है तो आपको दिमाग में क्या आता है, क्या ये आता है आपके दिमाग में, या फिर ये आता है, या फिर ये आता है, या फिर बहुत इंटरेस्टिंग ये आता है। ओके, तो यहाँ पे है कि क्योंकि बहुतों को मूवी से भी इंटरेस्ट होता है ना, कि ट्रांसफॉर्मर बोलो ट्रांसफॉर्मर नहीं याद होगा, मूवी याद होगा, क्योंकि बहुत फेमस मूवी रहा था हॉलीवुड का। तो चलिए हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर क्या है। देखिए, इमेज आना चाहिए आपको, अगर कोई कोई वर्ड बोल रहा है तो उसके दिमाग में इमेज बननी चाहिए, चाहे जो भी इमेज बन रहा हो तो बननी चाहिए। इमेज नहीं बन रहा तो दिक्कत है, इमेज से आप बहुत चीज़ को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा सकते हैं, तो इमेजिनेशन का बहुत बड़ा रोल होता ही है। चलिए हम बात करते हैं कि अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ आता है तो हम इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। याद रहे, इन वीडियो में हमने बोला कि 2D इमेज का भी यूज़ करेंगे और 3D एनिमेशन का भी यूज़ करेंगे। वीडियो में जहाँ ज़रूरत होगी आपको ऑटोमेटिक वीडियो दिखेगा, उससे हम बहुत सारे चीज़ों का एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। अब हम बात करते हैं, और एक चीज़ और मैं कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा हर थ्योरी तो नहीं लिखा जाता, तो बुक के अंदर रीडिंग PDF करने के लिए आपको आसानी से मिल सकता है ना, तो ये भी आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर है क्या। देखिए, ट्रांसफॉर्मर नहीं कुछ तो इतना दिमाग में आपको आना चाहिए एज ए इंजीनियर, क्लियर, इतने दिमाग में आना चाहिए। एकदम बेसिक फंडा से इसको हम डिस्कस करेंगे। ट्रांसफॉर्मर के दो हिस्से होते हैं, है ना, एक दिखता है वाइंडिंग, दूसरा दिखता है इसका कोर। एक दिखता है वाइंडिंग, दूसरा दिखता है उसके अंदर कोर। ये अंदर कंस्ट्रक्शनल व्यू है, है ना, अदरवाइज तो ट्रांसफॉर्मर आपको ऐसे दिखता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्या है ट्रांसफॉर्मर। अगर सबसे पहले अगर बात की जाए तो ट्रांसफॉर्मर को हम डिफाइन करेंगे, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर का डिफिनेशन की अगर कोई बात करता हो तो ट्रांसफॉर्मर इज ए डिवाइस दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट एट अ कॉन्स्टेंट फ्रिक्वेंसी। ध्यान से सुने, कहता है कि ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के एक वाइंडिंग से दूसरे एनर्जी में ट्रांसफर करता है नियत फ्रीक्वेंसी पर। ध्यान रहे, है ना। दूसरी एक बड़ी बात, ट्रांसफॉर्मर के अंदर और क्या चीज होता है। देखिए, कोई कंडक्टर को अगर यहां से करंट भेजा जाए तो यहां से आप अगर सप्लाई देते हो तो यहां आप रिसीव कर सकते हो, यहां एनर्जी मिल जाता है, यहां से अगर सप्लाई करते हैं तो उसके बाद रास्ते में तो एक मीडियम है, यह क्या है, एक कंडक्टर, एक माध्यम है। लेकिन ट्रांसफॉर्मर के अंदर ऐसा नहीं होता। ट्रांसफॉर्मर में अगर आप सप्लाई देते हो तो ये यहीं पे रिटर्न हो जाता है। अब ये डायरेक्ट इससे कनेक्ट नहीं है, यानी इलेक्ट्रिकली कनेक्शंस नहीं होते हैं, और ये एनर्जी आपको यहाँ पे मिलता है। तो आप भी सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि करंट यहीं से लौट गया, इससे कोई तार डायरेक्टली तो जुड़ा नहीं है, डायरेक्टली कोई वायर इससे जुड़ा नहीं है, और यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF हो जाते हैं, यहाँ पे वोल्टेज उत्पन्न होता है और एनर्जी भी आपको मिलना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे आपको एनर्जी मिलना शुरू हो जाता है। तो ये कैसा चीज़ें हैं। अब ध्यान रहे, इन चीज़ों के लिए ही कई लॉज आए हैं, ठीक है, आपको जानना पड़ेगा, यहीं से उत्पन्न हो जाता है मैग्नेटिक सर्किट के बारे में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम इस पे डिस्कस करेंगे। यानी अगर इसको ट्रांसफॉर्मर कहा जाए तो इसको जैसे ही इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया जाता है वैसे ही यहाँ से उत्पन्न होता है फ्लक्स, और ये फ्लक्स मूव करता है इस कोर में, ये फ्लक्स मूव करता है इस कोर में। तो अब इसके लिए, ट्रांसफॉर्मर को समझने के लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट नहीं जानेंगे आप अच्छे से तो आपको पता नहीं लगेगा कि एक्चुअल सर्किट ट्रांसफॉर्मर में हो क्या है, और मैग्नेटिक सर्किट आपका अच्छा नहीं होगा तो आपके मशीन पूरे कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि पूरे सर्किट के मशीन के अंदर आप सप्लाई तो देते हो, जो मूवमेंट हो रहे हैं कहीं ना कहीं मैग्नेटिक सर्किट का रोल होता है उसके अंदर। तो मैग्नेटिक सर्किट जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अब पहले हम दो भागों में, जब जैसे ही मैंने बात ना, एक मैंने बोला कि ट्रांसफॉर्मर में मेन मुख्य दो पार्ट होते हैं, एक होता है उसका वाइंडिंग, दूसरा होता है उसका कोर। ये है इसका कोर और ये है इसका वाइंडिंग। हम बात करते हैं, जो वाइंडिंग होती है, जो लपेटा लगा होता है, आप हर जगह देखते हो, आपके फैन के अंदर लगा होता है, बहुत जगह वाइंडिंग देखते हो ना, इंडक्टर, वही तो है ये क्वाइल। यही क्वाइल है जिसको हम वाइंडिंग बोल रहे हैं, जो कि हमेशा कॉपर का बना होता है। एल्युमिनियम का भी यूज़ करते हैं पर सबसे ज़्यादा प्रेफर कॉपर को करते हैं।
इसके एडवांटेज और ड्रॉबैक क्या है हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ लेयर बाय लेयर एक एक चीज को बेसिकली हम देखते जाएंगे। यहाँ पे आइए, हमने बोला कि एक तो रहा वाइंडिंग ट्रांसफर, इसीलिए हमने इसमें कोई उलझन नहीं डाला अभी, ना ही करंट क्या ईएमएफ है कुछ भी, ये सब कुछ नहीं डाला है। पहले मेन पार्ट को देखते हैं कि एक पार्ट है वाइंडिंग और दूसरा पार्ट है कोर। ये देखिए हमने लिखा है कोर, ये अभी टाइप भी हम नहीं बता रहे, कुछ नहीं बताएंगे, पहले समझिए। हर जगह वर्किंग प्रिंसिपल एक ही लगता है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं ये हमारा कोर जो पतले पतले थिन ब्लेड्स के बने होते हैं। अगर आप देखेंगे पतले पतले थिन ब्लेड्स का, आप एनिमेशन के अंदर भी देखेंगे तो आपको दिखेगा पतले पतले थिन ब्लेड्स का होता है, उसको एक साइड नॉट बोल्ट से टाइट किया जाता है। क्यों करते हैं ये सब हम लॉसेस के अंदर इसको बहुत अच्छे से बताएंगे। एक सॉलिड लोहा यानी कोर नहीं होता है। चलिए यहां पे मैं बात कर रहा हूं अब कि ये जो है हमारा आयरन कोर है, लोहा है उसी को बोल रहे हैं आयरन कोर। आयरन कोर फिर आगे जब एडवांस लेवल में इसी में देखते हैं ना सिलिकॉन स्टील, आखिर क्यों इसी को सिलिकॉन स्टील बोला जाता है, क्यों मिक्स किए जाते हैं सिलिकॉन, उसकी प्रॉपर्टी भी हम बारीकी से बताएंगे। तो सबसे पहले ध्यान में आपके होनी चाहिए ट्रांसफार्मर के अंदर दो चीज होते हैं, एक ट्रांसफार्मर का कोर लोहा और दूसरा उसका वाइंडिंग। वाइंडिंग को लपेटा जाता है, इस तार का कनेक्शन कभी इसके साथ नहीं होता है, ठीक है। दो हमने कंस्ट्रक्शन व्यूज फिलहाल देखे, बाकी कंस्ट्रक्शन के बारे में और अच्छे से देखेंगे। तो हमने देखा कि ट्रांसफार्मर को दो पार्ट में बांटते हैं, इसमें पहला एक है इसका कोर और दूसरा था इसका वाइंडिंग, दूसरा इसका वाइंडिंग। दोनों के बारे में हमने देखा कि कोर जो होता है लोहे का बना होता है जिसको सिलिकॉन स्टील बोलते हैं, फिलहाल आप याद करिए। इसके बारे में एक एक चीज डिस्कस करेंगे कि सिलिकॉन क्यों मिक्स करते हैं, कितना मिक्स करते हैं, मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है ना। और उसके बाद दूसरा कॉपर यानी वाइंडिंग जो होता है, वाइंडिंग हम कॉपर का मोस्टली यूज करते हैं, बहुत जगह आपको देखने को मिलता है एल्युमिनियम के भी वाइंडिंग, ठीक है ना। तो दो चीज हमने डिस्कस किया। अब ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, हमने डिफिनेशन में बताया कि ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यहाँ से अगर सप्लाई किया जाता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे मिल जाता है। जबकि आपसे कोई बोलता है कि इसका तार का कनेक्शन यहाँ नहीं होता, जबकि यहाँ पे कोई तार बोले ट्रांसमिशन में देखते हो तार से एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो वायर से तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ वायर से जब कनेक्ट ही नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो एनर्जी का ट्रांसफर क्यों होता है, कैसे होता है? तो यहीं पे क्रिया उत्पन्न होते हैं मैग्नेटिक सर्किट। तो हमको पढ़ेंगे मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट को जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक सर्किट को जानने के लिए कुछ बेसिक लॉ आपको जानना होगा। वो बेसिक लॉ क्या है, जैसे कि पहला फेराडेज लॉ, यहाँ मैंने इंटीमेट किया है, आपको फेराडेज लॉ जानना पड़ेगा कि पहला फेराडेज लॉ होता क्या है, दूसरा लेंज लॉ क्या होता है और तीसरा मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है। अगर इन तीन चीज़ों को बहुत अच्छे से जानेंगे तो ट्रांसफार्मर आपका बहुत आसान हो जाएगा। और ये जाने बगैर आप समझो कि आप सीख तो रहे हो मशीन, पर कहीं ना कहीं कमज़ोर है। कमजोर इसलिए क्योंकि इसकी वजह आप जा ही नहीं सकते। आप एक कंडक्टर की बात, सर्किट थ्योरी पूरा कंडक्टर पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, तो वहाँ हमको चूंकि पता होता है कंडक्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, करंट क्या है, वोल्टेज क्या है। तो यहाँ तो जब एक वायर से दूसरे वायर में करंट जा ही नहीं रहा, फिर भी यहाँ करंट और वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब बीच में कोई ना कोई मेडिएटर है, वो मेडिएटर ही मैग्नेटिक सर्किट है। यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट कहने का मतलब इस कोर से होके कुछ ऐसे डिफरेंट पैरामीटर्स चलते हैं जो इसको दूसरे रूप में बदलता है, फिर ये रूप परिवर्तित करके उसी रूप में चलने लगता है ना। इसका मतलब यहाँ करंट वोल्टेज है, यहाँ भी करंट वोल्टेज है, लेकिन दोनों में इलेक्ट्रिकली कोई कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ है। तो यहाँ पे ऐसा क्या चीज़ है जो इस चीज़ को इसमें कन्वर्ट करता है, वो चीज़ कई है। एक तो यहाँ की मटेरियल, एक ये कोर की मैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा इसके अंदर आपको जानना है फ्लक्स के बारे में, ये चीज़ें क्या है जो यहाँ से करंट को यहाँ उत्पन्न करा देता है पर बीच में कोई करंट का कोई मामला है नहीं। तो तीसरा, दूसरा है फ्लक्स, तीसरा बात आएगी इसी में इस कोर का रिलक्टेंस, चौथा होगा परमिएबिलिटी, यानी बीच में ऐसे माध्यम आ जा रहा है वो मटेरियल, उसका फ्लक्स, उसका रिलक्टेंस, उसका है परमिएबिलिटी। ये चीज़ ऐसे चीज़ें हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कमज़ोर कर सकता आपके मशीन को, और वही फिर कन्वर्जन करा देता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो हाउ मच इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालॉगी टू मैग्नेटिक सर्किट, उसको भी देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे ध्यान रहे, हमने बोला कि कुछ बेसिक्स लॉ है हमारे पास, फेराडेज लॉ और लेंज लॉ। तो फेराडेज और लेंज लॉ को हमने ऑलरेडी एनिमेशन के थ्रू बना रखा है, उसको प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा इसी लेक्चर के साथ, ताकि फेराडे को 10-10-5 मिनट का, आई होप मैंने वो बनाया होगा पहले का वीडियोस, मैं प्लेलिस्ट में कर दूंगा ताकि ये दोनों लॉ आप अच्छे से समझ लें। फिर हम चलेंगे मैग्नेटिक सर्किट पे,
कि मैग्नेटिक सर्किट है क्या, आखिर बीच में ये कौन से पैरामीटर आ जाते हैं और ये कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिकल एनालॉगी टू मैग्नेटिक सर्किट। और ध्यान रहे ये मटेरियल की प्रॉपर्टी, फ्लक्स, रिलक्टेंस और परमेबिलिटी बड़ी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, खूब पूछा जाता है, भर भर के पूछा जाता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है। तो इनके चीज लिए हम पढ़ेंगे। अब हमारे पास आएगा मैग्नेटिक सर्किट। सबसे पहले ट्रांसफार्मर को अब बहुत अच्छे से जानने के लिए मैग्नेटिक सर्किट को होके ही हम गुजरेंगे। और मैग्नेटिक सर्किट में हमको क्या क्या देखना है, MMF, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, फ्लक्स फाय, रिलक्टेंस RL, परमिएबिलिटी म्यू। आप बहुत जगह देखते होंगे लेकिन इसका क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होता बच्चों को। परमिएबिलिटी अगर बोले म्यू इजकल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, इसके वैल्यू होते हैं स्पेस में क्या होता है, किसी मटेरियल के तुलना में, एयर के तुलना में किसी मटेरियल का क्या होता है, तो ये रिलेटिव परमिएबिलिटी बताता है और ये किसी फ्री स्पेस में उसकी परमिएबिलिटी को बताता है, ओवरऑल कहलाता है परमिएबिलिटी। इसका वैल्यू एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, एक एक चीज क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड टू दी पॉइंट पढ़ाया जाएगा और टू दी पॉइंट आपको सीखना है। ध्यान रहे यहां पे अब मैं बात करता हूं कि अब मैग्नेटिक सर्किट ये होता क्या है, इन टर्म को हमको जानना बहुत जरूरी है, इनके बारे में काफी वाइडली हमको जानना पड़ेगा। ध्यान रहे अगर परमेबिलिटी को जानना है, रिलक्टेंस को जानना है, तो आपको सर्किट थ्योरी में कंडक्टर और रेजिस्टेंस के बारे में अच्छे से जानना होगा। अगर आपको नहीं देखा है तो सर्किट थ्योरी को प्ले इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, रेजिस्टेंस वगैरह के बारे में। आपको सर्किट थ्योरी अच्छा होना ही चाहिए क्योंकि उनसे बहुत चीज़ों का आइडिया लगता है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि अब हम पहले देखेंगे ये चार पैरामीटर क्या हैं, इनकी ज़रूरत क्या होती है और हम इसको किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं पहले MMF, फ्लक्स, रिलक्टेंस और इसके बारे में। तो ये जो आपका ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर में आपको मैं दिखाता हूँ एग्जैक्ट में ट्रांसफार्मर है क्या। ये देखिए इसके आउटर बॉडी है जिसको पैक कर दिया गया, इसमें ये पिन नट्स है क्योंकि ये किसी पे स्टेबल किया जाता है तो इसको इस तरीके से लगाया जाता है और इसके वायर का ऑपरेशन होता है ट्रांसफार्मर में, है ना। तो हम इसके पहले आपको कोर को भी दिखा देता हूँ यहाँ, क्योंकि कोर को भी देखना है और ये वाइंडिंग को। ध्यान रहे ये जो है एक कोर टाइप का ट्रांसफार्मर है, ये जो सेल टाइप का ट्रांसफार्मर है कि सेल टाइप के ट्रांसफार्मर में बीच में वाइंडिंग होते हैं और कोर टाइप में उसके आउटर साइड में होते हैं। तो हम इसका ऑपरेशन, मेरे पास देखिए स्क्रू ड्राइवर है तो हम इसका ऑपरेशन करके आपको दिखाते हैं अभी कि कौन है सेल और कौन है कोर और किस तरीके से इसके अंदर वाइंडिंग की जाते हैं, तो हम उसको देखते हैं। चलिए ये रहा स्क्रू ड्राइवर मेरा और इसके थ्रू मैं क्या करता हूँ, पूरा इसके आउटर बॉडी जो ये पैक था उसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ देखिए इसको मैं ओपन कर रहा हूँ और इसको ओपन करने के बाद कुछ वाइंडिंग आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए आपको दिखेगा हर एक चीज़, एक एक चीज। और ये वाइंडिंग यहाँ तीन वायर क्यों है, यहाँ दो क्या है, आगे हम सब चीज़ को डिस्कस करेंगे। देखिए अगर आप ट्रांसफार्मर को देखेंगे तो आपको यहाँ से पता लगेगा ट्रांसफार्मर के अंदर देखिए ये है कोर है, ठीक है ना। इज इट विजिबल, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो ये देखिए बीच में एक वाइंडिंग है, बीच में वाइंडिंग है, इसको टैपिंग किया गया, इंसुलेशन होते हैं। ये देखिए पत्ते पत्ते पतली हैं, पत्तियाँ हैं यहाँ पे, शायद आप लोगों को इतना क्लियर विजिबल नहीं हो पा रहा। ये देखिए ये पत्तियां हैं, अब आप लोगों को विजिबल है ना, ये देखिए पत्तियां हैं, यानी एक लोहा, सॉलिड लोहा नहीं है, काई पत्तियां हैं, इसी को हम बोलते हैं कोर, है ना। और जिस पे हमने लेमिनेट वाइंडिंग कर रखा है, अब ये तो वाइंडिंग शायद इसको मैं रिलीज कर दूँ, 909 का ट्रांसफॉर्मर है, आपको मैं दिखाता हूँ ये ट्रांसफार्मर में एक्चुअली है क्या। देखिए इंसुलेशन इसके कई लेयर में है, है ना, इसके लेयर कई लेयर हैं जिसको टैपिंग किया गया इस ट्रांसफार्मर का। और मैंने मार्केट से लाया था इसको कि मुझे कैसा भी भैया खराब भी दे दो, मुझे तो बच्चे को सिखाना है, तो मैं मार्केट से लाया था। ये देखें इसके अंदर वाइंडिंग है, ये देखें अगर किसी को दिख रहा होगा तो ये वाइंडिंग है। तो ट्रांसफार्मर में दो मेन पार्ट होते हैं, पहला वो पार्ट जो हमारा ये है, ये आप कह सकते हो कोर, और दूसरा ये वाइंडिंग। ये वाइंडिंग इंसुलेशन होता है, इस वाइंडिंग का, इस कंडक्टर का इस लोहे से कोई कनेक्शन नहीं होता, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता, इसीलिए हम बोलते हैं एक वाइंडिंग दूसरे वाइंडिंग से हमेशा आइसोलेट होते हैं। और ये एक वाइंडिंग, इसमें दोनों वाइंडिंग होते हैं, यहाँ पर दो वाइंडिंग सेपरेट दिखेगा कोर टाइप में, दोनों वाइंडिंग अलग अलग होते हैं, लेकिन जो सेल टाइप होता है उसमें
एक ही जगह पे, यहाँ पे आगे मैं बताता हूँ आपको, जो सेल टाइप होता है, छोटे ट्रांसफार्मर हमेशा सेल टाइप होते हैं, ये देखिए जो सेल टाइप होता है इसी में एक वाइंडिंग और इसी में दो वाइंडिंग, तक है वो शॉर्ट कर जाएगा सर, शॉर्ट नहीं करता, क्योंकि सबके कंडक्टर उसके जो कॉपर वायर होते हैं, जो इसके अंदर ये कॉपर वायर होगा, आपको मैं दिखाता हूँ, इसके अंदर जो कॉपर वायर होंगे, ये कॉपर वायर एक तो लेमिनेटेड होते हैं, एक दूसरे से कॉपर वायर क्या होता है, लेमिनेटेड होता है, और पहले एक वाइंडिंग करते हैं लेमिनेशन, फिर ऊपर से कवर चढ़ाते हैं, जैसे कि आपको कवर वीडियो के अंदर भी कल मैंने दिखाया था, आज भी दिखेगा, एक वाइंडिंग होने के बाद उस पर लेमिनेशन चढ़ जाते हैं ताकि और आइसोलेटेड हो एक दूसरे से। तो वाइंडिंग इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखेंगे, तो वाइंडिंग है और उसके बाद कवर पे कवर चढ़ा दिया जाता है ताकि इस कंडक्टर का कनेक्शन इस लोहे से ना हो पाए, तो इंडक्शन होता है, यहीं पे चीजें होती है, फेराडेज लॉ इंडक्शन के थ्रू जो सप्लाई जाता है, इंडक्शन के थ्रू यहां से क्या करता है, फ्लक्स यहां से रिलीज होता है और इस यहां से यहां घूम के आता है और जब कट करता है तो दूसरे वाइंडिंग में ईएमएफ डेवलप होता है, तो ईएमएफ फेराडेज लॉ बताएगा आपको, है ना। तो यहां पे ये चीजें कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग आपको मैं और भी चीज बताता रहूंगा टाइम टू टाइम, पर आई होप कि कोर और ट्रांसफॉर्मर के बारे में ये आप फिलहाल आपको जानकारी कंस्ट्रक्शन के हिसाब से मिल गया होगा।